देश भर में अप्रेंटिस ट्रेनिंग में उद्योगों और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना यानी कि NAPS में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT की शुरुआत की। इस अवसर पर मंत्री द्वारा 1,00,000 प्रशिक्षुओं को लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। 2016 में शुरू हुई NAPS योजना में 31 जुलाई 2023 तक कुल 25 लाख युवा प्रशिक्षु के रूप में ट्रेनिंग ले चुके हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 2.6 लाख प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के सक्रिय प्रयासों के कारण सक्रिय प्रतिष्ठानों की संख्या 2018-19 में 6,755 से बढ़कर 2023-24 में 40,655 हो गई।